तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो यहां पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डंकी और सलार के एडवांस बुकिंग के बारे में, कि दोनों की एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची और कौन आगे निकल रहा है और कौन पीछे निकल रहा है, एंड इन दोनों में कौन तीसरा आगे ना निकल जाए इसकी भी बात करूँगा, यानी कि एनिमल की। दोस्तों एनिमल की एडवांस बुकिंग USA या UK या कहीं पर भी मुझे पता है बढ़ रही है, उसकी भी अपडेट मैं इस वीडियो के बाद देने वाला हूँ। लेकिन बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है भाई? वो नज़दीक में जल्दी है, 1 तारीख को मूवी आ रही है, बचे कितने दिन है मुझे ये बता दो। आज 16 तारीख हो चुकी है, 14 दिन उसको ठीक से बचे नहीं है। अब इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं होगी, मुझे तो लगता अब तक तो इंडिया में स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जो अब इन्होंने जाके ओवरसीज में स्टार्ट करी है, तो उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सलार और एनिमल का एक ही है, लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम डंकी की बात करें तो डंकी और एनिमल का कोई भी यहाँ पे कनेक्शन ऐसा है नहीं, तो इन लोगों को ना तो मिलाओ इन दोनों से और ना ही इनको सेम टू सेम करो। अब बात करूँ यहाँ पे डंकी की, भाई डंकी के टिकट्स जो हैं दोस्तों अभी नहीं बिके हैं भाई, पता है मुझे 6, 8, 10 ऐसे ही कुछ आ रही है न्यूज़ जो भी आ रही है, अभी खुल के सामने नहीं आई है। एंड एक ही रिपोर्ट आई है अभी डंकी के जो टिकट्स बाय हुए हैं, वो मैं बता दूँ क्यों आई है। देखो ऐसा है, एक होता है कि हल्का सा इशारा देना कि इशारा दे दो, ठीक है इशारा दिया, लेकिन जो इसके फुल फ्लेज में एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी, फुल फ्लेज में सारी चेन्स में, वो होगी 220 तारीख को, यानी कि 20 नवंबर को। अभी दिन कितने बचे हैं, 3 या 4 दिन। तो यहाँ पे तो चलो सलार के मेकर्स ने सलार की तो एडवांस बुकिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी है, और उसकी जो एडवांस बुकिंग एक्चुअली में हुई है वो यहाँ पे बताई जा रही है भाई, लगभग जो डॉलर की कमाई हुई है $3,760 की यहाँ पे कमाई हो चुकी है 21 दिसंबर का, ये प्रीमियर सेल्स की रिपोर्टिंग बता रहा हूँ, जिसमें से 2 लोकेशंस पे अभी खुली हैं, 11 शोज काउंट हैं, 12.05% की ऑक्यूपेंसी आ रही है, एंड जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो 141 बता रहा है। एंड जो डंकी का जो फुल फ्लैज में एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी वो 20 नवंबर को आराम से हो जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्तों ये कह रहे हैं, जो कि ट्विटर पे या कहीं पर भी बात निकल रही है, भाई डंकी को पोस्टपोन हो जाना चाहिए, बहुत सारे ट्विटर पे बहुत बातें हो रही हैं कि डंकी को पोस्टपोन हो जाना चाहिए, उसका कुछ नहीं हो सकता और सलार जो है खा जाएगी। सलार एक मगरमच्छ है, जो कि डंकी एक मछली है, सलार एक एक्शन मूवी है, डंकी एक क्लासिकल मूवी है, ये इस तरीके की कुछ बातें चल रही हैं। भाई देखो ऐसा है, डंकी को अभी ये मत समझो कि वो कुछ भी नहीं है सलार के आगे, ये तो समझना ही बेकार है, क्योंकि ऐसा होता है जो एक खरगोश और कछुए की लड़ाई में हमेशा खरगोश जीत जाता है। चलो मान लिया कि भाई सामने वाला जो आइटम है वो, देखो मैं ना तो सलार को गलत कह रहा हूँ ना ही मैं डंकी को गलत कह रहा हूँ, मैं ऐसी सोच रखने वालों को गलत कह रहा हूँ जो कि ये बोलते हैं कि डंकी को पोस्टपोन कर देना चाहिए या डंकी को पोस्टपोन कर दो, ये चीज़ गलत है। आने तो भाई आ रही है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा पैसा लगा है क्या, कोई दिक्कत नहीं आने, ठीक है आएगा, ठीक है देख लेंगे, जिसको जो देखनी है वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा, जितनी कलेक्शन आएगी सामने आ जाएगी हम बताएंगे, जिसकी कम होगी उसकी कम होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा होगी, इसमें कोई जो है फेक, अब अगर सलार की कम होती है तो उसको फेक बोला जाएगा, डंकी की कम होती है तो उसके फैंस उसको फेक बोलेंगे, समझ रहे हो, मतलब जिसका ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन होगा उसको फेक बताया जाएगा, ये फैक्ट है एक्चुअली में। क्या असल में क्या, लोगों को आराम से बैठने की आदत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, खुद भी आराम से नहीं बैठेंगे और दूसरों को भी नहीं बैठने देंगे, सीधा सा। अब इसका ये जो क्लैश है, ये कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं, काफ़ी बड़ा क्लैश है, और ये क्लैश ऐसा रहेगा, सबसे पहले तो इसकी जो फर्स्ट डे का चलेगा यहाँ पे, ठीक है अब यहाँ पे चला, अब आगे चलेगा कि जी इसके टिकट्स नहीं, गलत है, गलत दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, ये फेक है, अब यहाँ ये चलेगा, फिर आगे जो कलेक्शन होगी, नहीं यार ये तो इन्होंने गलती है, खुद अपने टिकट खरीदे हैं, ऐसा नहीं हो सकता यार, सलार इतना कैसे कर लेगी, डंकी ऐसा कितना कर लेगी, ये क्या चक्कर चल रहा है। अभी ये भी चलने वाला है, जैसे मूवी रिलीज होगी तब देखना, अभी ट्रेलर सलार का ट्रेलर आ रहा है, तो देखो अभी सलार का ट्रेलर आएगा वहाँ पे चलेगा, अरे यार सिंगल लैंग्वेज मारा, ठीक है भाई ज़बरदस्त इसका जो है चलेगा, व्यूज आएंगे, डंकी के आएंगे ड्रॉप, अरे देखा नहीं चला, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब ये बातें होने वाली हैं, अब खुद भी परेशान होना, दो सामने वाले को भी परेशान करना, और रील्स पे रील्स ऐसे बनेंगे जो कि इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ,
कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, आराम से कोई नहीं बैठ सकता। अबे भाई ठीक है आ रही है, जिसको जो मूवी देखनी है वो देखो, जिसको दो मूवी देखनी है वो देखो, कुछ नहीं कह सकते कौन आगे निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते कौन पीछे निकल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आके सोशल मीडिया पे अगर हम हैं उस लायक, अगर हमें लोग देखते हैं तो हम कुछ भी बोलें और वो हमें अच्छा बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हर आदमी इस टाइम पे जो ऑडियंस है, आप जो ऑडियंस हो, ये एक्चुअली में क्या है, ये हम क्या हैं, मैं जो बोल रहा हूँ भाई हमसे ज़्यादा ऑडियंस समझदार है, एक मिनट में समझ जाती है कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना आज के टाइम पे उतना ही मुश्किल है जितना एक आदमी को अपना घर बनाना है। ऑडियंस को बेवकूफ़ आज के टाइम पे क्या कोई कभी बना ही नहीं सकता, समझो। और इस तरीके की बातें करना जो लोग सामने वाली ऑडियंस को बेवकूफ़ समझे तो ये चीज़ सही नहीं है। ऑडियंस को वही बताओ, और अगर कोई ऑडियंस में ऐसा कर भी रहा है, अगर ऑडियंस में ऐसी बात हो भी रही है बात, तो उन लोगों को यही बोलो भाई शांत रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल रहो, जो भी होगा सामने होगा। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कभी भी कोई ऐसी फेक न्यूज़ या किसी भी तरीके का ऐसा यूँ भाषण ला के नहीं फेंकता। मैं यही कहता हूँ भाई जो हो रहा है उसे होने दो, आप आराम से रहो, मैं अपनी ऑडियंस को बिल्कुल शांत करके चलता हूँ, कुछ नहीं होगा, मूवी आएगी जो आएगी, जिसको जो देखनी है वो देखो, जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना हल्ला मल्ला क्यों मचाना। आ रहा है सलार का ट्रेलर, ठीक है आने दो देख लेंगे, डंकी के ड्रॉपर है आने दो देख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ माँ खाई का लफड़ेबाजी चलनी, समझ रहे हो, डंकी की एडवांस बुकिंग 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, सलार की स्टार्ट हो चुकी है, सलार का मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको जो टिकट बुक करनी हो करता रहने दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। बाकी अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं कॉमेंट में जवाब देने को भी तैयार हूँ। और मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, अगर कोई मेरी वीडियो पे आके कोई कमेंट करता है और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसका कमेंट और उसका जो चैनल होगा, जिस चैनल से या जिस भी उसने अपने आधार पर कमेंट किया होगा जिस भी चैनल से अपने, तो मैं उस चैनल का नाम अपने सुबह वाली वीडियो में, यानी कि दिन की जो मेरी पहली वीडियो होती है उसकी जो उस वाली वीडियो में मैं उसके चैनल का और उसके कमेंट का मतलब प्रमोशन करूँगा अपनी तरफ से, अपनी ऑडियंस में यही बोलूँगा कि भाई आप इनके चैनल को भी प्रमोट करो। मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, अगर आप कोई अच्छा कमेंट करते हो तो मैं आपके चैनल को प्रमोट कर सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।